अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज बिलाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रामर। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमारे पास है, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। तो हम लोग जो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस आखिर क्या होता है हमारे पास। न्यूमेरिकल एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड्स टूल्स एंड मेथड्स फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ये हमारे पास बेसिकली मैथमेटिकली की मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच होती है जो हम लोगों को टूल्स और मेथड प्रोवाइड करती है कि हम लोग जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हल कर सकें न्यूमेरिकल फॉर्म में। और न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं ये हम लोग आगे के लेक्चर्स के अंदर न्यूमेरिकल परफॉर्म भी करेंगे और मैं आपको बताऊंगा अभी न्यूमेरिकल को किस तरह से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ये होती हमारे पास बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब बात की जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है, जबकि ये तो हमारे पास एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। तो इसका आंसर ये होगा कि जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं अपनी, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसका तो कुछ लॉजिक वगैरह यूज करते हैं, अपने माइंड को यूज करते हैं कि हम लोग उसके अंदर जो भी लॉजिक वगैरह यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि नया प्रोग्राम आ जाए तो हम लोग सोचते हैं प्रोग्राम के लिए कि हम लोग क्या चीज लगा सकते हैं। बेसिकली न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग को भी इसीलिए यूज किया जाता है कि हमारे जो सोचने की काबिलियत होती है वो इंक्रीज हो जाए। अब इस तरह हम लोग इसको कह सकते हैं कि जिस तरह अगर हम लोगों ने ये बताना हो कि एक पॉइंट हमारे पास ये होता है और एक पॉइंट हमारे पास ये हमारे पास होगा इनिशियल पॉइंट और ये हमारे पास होगा फाइनल। कि यहाँ से अगर फर्दर एक प्लेन जो है फ्लाई कर रहा है उसकी स्पीड बता दी जाए कि 1100 है, उसका डिस्टेंस बता दिया जाए आपको, उसका डिस्टेंस ये, तो आपको ये बता दीजिए कि ओरिजिनल से फाइनल तक कितनी देर में ये पहुंचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए हम लोगों को मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम लोग जो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी जो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके मैथड्स को पढ़ेंगे। तो अपना क्या लिखा हमें याद रखें।